एपिसोड का स्टार्टिंग में दो लड़की एक साथ भाग रही होता है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे, साथ ही वो लोग जंगल में होता है। खैर इसके बाद उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है। पेन के अंदर से एक मॉन्स्टर उनके आंखें आता है और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इसको देखकर वो दोनों बहुत डर चुके थे। उन दोनों में से एक लड़की जिसका नेम है तारिया, वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है लुमा के लिए। कहती है आप इधर से भाग जाओ, मैं इसके साथ लड़ती हूँ। और उसके बाद वो इस फाइट में मार जाती है, यानी वो मॉन्स्टर उसको खा देता है। सीन देखकर लुमा टूट जाती है, साथ ही वो रोने लग गई थी। खैर इसके बाद ही उसके पीछे वही बंदा आ जाता है जिसका ये मॉन्स्टर था। पालादीन कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया और इसके बाद तुम्हारा भी हाल यही होने वाला है। वो पालादीन बहुत ज्यादा थर्की होता है और उसके कारण वो कहता है पहले मैं तुम्हें नंगा करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और वो अपने मॉन्स्टर को यही ऑर्डर कह देता है। मॉन्स्टर लुमा के बॉडी के पास आ जाता है और वो लुमा को पकड़ के लुमा का कपड़ा फाड़ रहा होता है, यानी लुमा अपने अंदर वाले कपड़े में आ चुकी थी। उसके बाद वो मॉन्स्टर लुमा को मारने वाला था, जहाँ पर ये सीन देखकर वो पालादीन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और उसके बाद वो कहता है अभी तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। खैर इसके बाद लुमा कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पास मेरे गॉड है जो कि मुझे बचाने के लिए आएंगे। दिन कहता है कोई भी नहीं आने वाला और उसके बाद लुमा प्रे करने लग जाते है गॉड के लिए। और उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है एक चीज ऊपर से नीचे गिरता है, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है वो एक बंदा था और वो बंदा उसे मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके लुक्स को, जो कि देखकर ऐसा लगता है वो डियाब्लो है। खैर जो भी हो, लुमा इस सीन को देखकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो सोचती है ये गॉड हो सकता है और उसके कारण वो प्रे करने लग जाती है। वेल मैं जानता हूँ इधर डियाब्लो कैसे आ गया, तुम लोग जाना चाहते हो, तो इसलिए हम लोग फ्लैश बैक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है डियाब्लो अपने दो स्लेव यानी टेरा और रैम के साथ होता है। और उसके बाद वो लोग कहीं पर आ रही थी, जहाँ पर गर्मी बहुत था और उसके कारण सेरा और रैम इसके ऊपर कंप्लेन कर रही थी। रैम कहती है बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे कुछ करना होगा। और उसके बाद सेरा कहती है हम लोग नंगा हो सकते हैं, यानी सन बात ले सकते हैं, जो कि ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है। रैम कहती है ये नंगों का काम है, यानी इसके लिए हमें नंगा होना होगा, तो ये नहीं हो सकता। टेरा कहती है ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, यानी ऐसा हम लोग कर सकते हैं और पहले भी ऐसा हम लोगों ने किया था, तो इसलिए ये इतना बड़ा बात नहीं है। ऐसे ही उन दोनों ने अपना फाइट स्टार्ट कर दिया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है डियाब्लो को, जो कि थोड़ा आंखें होता है। डियाब्लो इन दोनों के फाइट को देखकर हंसने लग जाता है, क्योंकि ये उसके लिए सिंपल था। और उसके बाद वो कह रहा होता है अपने पुराने ख्यालों के बारे में, यानी उसने इस वॉल में एंटर किया और उसके बाद वो मिला सेरा रैम और क्लैम से और बहुत लोगों से वो मिला, साथ ही उसने हेल्प भी किया और उसे इस वॉल में डेमन लॉर्ड कहा जाता है, जो कि इतना अच्छा बात नहीं है। ऐसे इसका सीजन 1 हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो कि तुम लोग देख सकती हो, यानी बहुत ज्यादा ऑसम है, तो इसलिए अब तक नहीं देखा तो उसको एक बार चेक कर लेना। सारे एपिसोड कंप्लीट है, जो कि तुम लोग देख सकते हो, यानी बहुत अच्छा है। खैर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। डेमन लॉर्ड के पास सेरा और रैम आ जाता है और उसके बाद सेरा अपना वो दोनों डेमन लॉर्ड के हाथों में लगाती है और वो कहती है हमें सन बात लेना चाहिए, क्या कहते हो। और उसके बाद ही इसको देखकर डेमन लॉर्ड शर्मा जाता है, जहाँ पर ये सीन रैम भी देख लेती है और उसके बाद वो भी अपना वो दोनों इससे बहुत ज्यादा शर्मा किया था। और उसके बाद वो कहता है हम लोग इधर कोई भी सन बात या फिर रिलैक्स करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे पास एक काम है। और उसके बाद वो एक स्पेल को लेकर आके आता है, वो कहता है मैं स्पेल का टेस्ट करने वाला हूँ और उसके कारण ही हम लोग इसको देखने के लिए इधर आए हैं। और उसके बाद डियाब्लो अपना स्पेल का यूज करता है, इसके बाद एक चीज उड़ने लग जाती है, जहाँ पर इसको देखकर डियाब्लो बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो कहता है ये काम आ चुका है और इसको देखकर रैम और सेरा भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वो दोनों कह रहे थे आप महान हो, यानी आप ही ऐसा काम कर सकते हो और उसके कारण आपको डेमन लॉर्ड कहा जाता है। डियाब्लो इससे बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो उसी चीज में आ जाता है और वो अपने अंदर ही कहता है मैं भी नहीं जान रहा था ये काम आने वाला है या फिर नहीं, लेकिन ये काम आ चुका, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद डियाब्लो उसको लेकर आगे जा रहा था, यानी वो इसका टेस्ट कर रहा होता है। और उसके बाद वो जंगल में एक लाइट को देखता है क्योंकि बहुत ऊपर तक जा रहा था और ये दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होता है। और उसके बाद डियाब्लो सोच रहा होता है उधर क्या हो सकता है, जहाँ पर सेरा और रैम भी इस सीन को देख लेती है। वेल डियाब्लो जाना चाहता है उधर क्या है और उसके कारण डियाब्लो उसी की ओर बढ़ रहा था। और उसके बाद वो फाइनली उसी जगह में आ जाता है जहाँ से ये लाइट आ रहा था, लेकिन इसके बाद डियाब्लो नोटिस करता है जहाँ पर उसने पैर रखा था, यानी वो चीज धीरे धीरे गिरने लग गई थी। डियाब्लो जान जाता है उसके मैजिक का पावर खत्म हो रहा है और उसके बाद डियाब्लो नीचे गिर जाता है। वेल एपिसोड के फर्स्ट में जो हम लोगों ने देखा था, यानी एक बंदा नीचे गिरता है और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है, जहाँ पर लुमा इस बंदे को गॉड कहती है, यानी वो डियाब्लो था। खैर इसके बारे डियाब्लो कुछ कहने वाला होता है, यानी वो गॉड नहीं है, वो डेमन लॉर्ड है, लेकिन वो ये बात नहीं कर पाता,
यानी इसके बारे लूमा कह रही थी है, नेली आप आ चुके हो, मैं जान रही थी आप आने वाले हो, आप मेरे गॉड हो और आप मेरा आप हेल्प करने वाले हो। डियाब्लो फिर से कुछ कहने वाला होता है लेकिन उसको चांस नहीं मिलता। खैनिस के बारे डियाब्लो उस बंदी के कपड़े को खैनिस के बारे डियाब्लो उस बंदी के कपड़े यानी बॉडी को देखती है जहाँ पर इसको देखकर डियाब्लो शर्मा गया था। खैर इसके बाद डियाब्लो अपना जो स्कर्फ होता है जो कि उसके पीछे था वो लूमा को दे देता है और उसके बाद वो लूमा के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है। लूमा डियाब्लो को इधर देखकर बहुत हैप्पी थी और उसके बाद वो अपने मन में कह रही होती है फाइनली मेरे गॉड मेरे पास आ चुके हैं। खैर इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं जहाँ पर लूमा इधर सारा कंडीशन बता देती है, यानी उसके आगे एक बंदा है जो कि उसको मारना चाहता है। लेकिन इसके बाद भी डियाब्लो शर्मा रहा था क्योंकि लूमा एक अलग ही कपड़े में होती है, यानी इसको इमेजिन करने के बाद ही डियाब्लो का कुछ और ही हो जाता है। और ऐसे वो लोग बातें करते हैं बहुत टाइम। यहाँ पर इस सीन को देखकर वो पालादिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है प्ले टाइम बहुत हो चुका है, अब हम लोग अपने मुद्दे पे आ सकते हैं। तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम एक डीमन हो। और इसके बारे डियाब्लो कह रहा होता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं एक डीमन। और इसके बाद वो लॉर्ड कहने वाला होता है लेकिन इसी बीच लूमा बीच में आ जाती है। वो कहती है ये मेरे गॉड है, मैंने इनको बहुत टाइम से प्रे किया और इसके कारण वो अब इधर आ चुके हैं। जहाँ पर डीमन लॉर्ड यानी डियाब्लो इसी बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे इस गेम में आने का बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अब तक उसको किसी ने भी गॉड नहीं कहा था। इसके बाद डियाब्लो कहता है तुमने कैसे प्रे किया था और उसके बाद लूमा प्रे करने लग जाती है जहाँ पर वो लाइट फिर से इधर आ चुका था। डियाब्लो सारा बात जान लेता है और इसके बाद डियाब्लो कहता है अब कोई बात नहीं, मैं इधर आ चुका हूँ और इसके कारण तुम सेफ हो, यानी ये पालादिन तुम्हें नहीं मार पाएगा। और इसके बाद ही वो पालादिन गुस्से में आ जाता है, वो कहता है इसके बाद तुम्हारा भी हाल यही होने वाला है, साथ ही ये मेरा काम है, यानी फिसो ने मुझे काम दिया और इसके कारण मुझे ये काम करना होगा। डियाब्लो ने जान लिया था वो पालादिन किसी और के लिए काम करता है, यानी एक तरफ से कहा जाए तो वो एक हंटर है। इस पालादिन का इरादा कुछ और था और इसके कारण डियाब्लो कहता है तो इसके बाद तुम नहीं बचने वाले, यानी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद वो पालादिन कहता है देखते हैं कौन मरने वाला है। पालादिन अपना डीमन को आगे लाता है जो कि 60 लेवल का एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर था जो कि डियाब्लो इसको बहुत इजीली हरा सकता है। डियाब्लो इसको देखकर कहता है मैंने ऐसे मॉन्स्टर के साथ पहले भी बहुत फाइट किया है और इसकी कहानी में जानता हूँ इसके साथ मुझे कैसे लड़ना होगा। बात को सुनकर पालादिन गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपने मॉन्स्टर को अटैक करने दे देता है जहाँ पर उसका मॉन्स्टर अटैक करने वाला था। डियाब्लो फाइट के लिए रेडी हो जाता है लेकिन इसके बाद वो दोनों नीचे गिर चुके थे। लूमा और डियाब्लो नीचे गिर जाता है जहाँ पर डियाब्लो जान लेता है वो लोग एक ट्रैप में आ गए हैं। खैर इसके बाद डियाब्लो नीचे देखता है जहाँ पर उसके लिए एक मॉन्स्टर रेडी था, यानी वो मॉन्स्टर उन दोनों को खाने वाला था, साथ ही इसका लेवल उससे भी बहुत ऊपर का था। खैर इसके बाद डियाब्लो इसको देखकर पहले टाइम के लिए शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ, यानी मुझे पता है इसके बाद मुझे क्या करना होगा। डियाब्लो पहले लूमा को बचा लेता है और उसके बाद वो ऊपर आ चुका था, यानी वो सरफेस में आ जाता है और उसके बाद वो लूमा को सेव करके अपना अटैक कर देता है। डियाब्लो का अटैक लेजर विन वाला था जहाँ पर इसको देखकर पालादिन एक टाइम के लिए सोचता है ये कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ये अटैक फेल होने वाला है। लेकिन इसके बारे में देखते अपने मॉन्स्टर को जो कि इधर मर चुके थे। डियाब्लो ने उन दोनों मॉन्स्टर को बहुत इजीली हरा दिया था और इसको देखकर पालादिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम मेरे मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो, तो कहता है ये एक मॉन्स्टर है और वैसे भी तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगी तो। पालादिन हंसता है और वो कहता है वैसे तुम कितनों के साथ ऐसे कर सकते हो, यानी ये तो बस दो थे लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं। डियाब्लो कहता है अगर 100 भी आ जाए मेरे सामने तो इसके बाद मैं इसको हरा सकता हूँ, यानी इजीली मैं सबको डिफीट कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई हार्ट वाला काम नहीं है। और उसके बाद ही पालादिन गुस्से में आ चुका था और उसके बाद वो अपने सारे मॉन्स्टर को आके ले आता है जो कि अलग अलग टाइप्स के थे और वो लोग एक साथ ही अटैक करने वाले होते हैं जो कि डियाब्लो के लिए अच्छा बात नहीं था। लेकिन इसके बाद डियाब्लो कहता है अगर ऐसा बात है तो मुझे अपना पावर यूज करना होगा और उसके बाद डियाब्लो अपना पावर यूज कर देता है। डियाब्लो का ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है जो कि सारे जो सरफेस होता है या फिर जंगल होता है जहाँ पर वो पालादिन था वो जगह डियाब्लो फ्रीज कर देता है। एक एक करके सारे मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है और उसके बाद टाइम था पालादिन का और वो भी फ्रीज होने वाला था। पालादिन डियाब्लो का पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तुम हो कौन, और उसके बाद पालादिन फ्रीज हो चुका था और ऐसे ही डियाब्लो इस फाइट को जीत लेता है। खैर इसके बाद वो सोचता है इधर ठंड आ चुका है, साथ ही उसके पास एक नंगी लड़की है, यानी ये उसके लिए अच्छा बात नहीं होगा। डियाब्लो देखते है लूमा को जहाँ पर वो सोचता है शायद से लूमा को बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन इसके बाद लूमा डियाब्लो के पास आ जाती है। लूमा बेहोश हो जाती है क्योंकि लूमा के साथ पहले भी बहुत कुछ हुआ था जो कि तुम लोगों ने एपिसोड के पहले देख ही लिया होगा। खैर डियाब्लो लूमा को पकड़ लेता है और इसी बीच इधर सेरा और रैम भी आ चुके थे। सेरा और रैम डियाब्लो को इस हाल में देखते हैं, साथ ही उसके पास एक नंगी लड़की थी।
ये सीन देखकर वो दोनों बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही कह रहे थे। वो दोनों डियाब्लो को बहुत कुछ बातें कह रहे होते हैं, जहाँ पर डियाब्लो जान लेता है ये अच्छी बात नहीं है और उसके कारण वो कहता है तुम लोग असली बात को नहीं जानते। और उसके बाद ही वो दोनों कह रहे होते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लगता। फिर इसके बाद वो दोनों लुमा के पास आ जाते हैं और वो लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर डियाब्लो सारी बात को बता देता है और सेरा और रैम असली बात को जान लिए थे। खैर इसके बाद डियाब्लो डिसाइड करता है वो लुमा को अपने साथ ले जाने वाला है, क्योंकि लुमा के लिए अब यह जगह सेफ नहीं था, साथ ही वो बहुत इंजर्ड होती है। डियाब्लो लुमा को लेके अपने घर में आ जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लुमा एक बिस्तर में थी और इसके बाद वो अपने होश में आ जाती है, जहाँ पर वो रैम और सेरा के साथ बात करती है यानी वो मिलती है। लुमा कहती है गॉड कहाँ पर है, यानी जिसने मुझे बचाया था। और इसके बाद सेरा कहती है वैसे हम उसको डियाब्लो कहते हैं। इसके बाद लुमा कहती है तो आप उसके हो कौन, और उसके बाद ही सेरा कह रही थी है हम उनके स्लेव्स हैं, तुम देख सकती हो हमारे गले में एक पत्ती है और यही निशानी है। और उसके बाद ही लुमा इस बात को सुनकर शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है ये कैसा बात है, क्या गॉज को भी स्लेव्स चाहिए। और उसके बाद ही सेरा सब कुछ बात बताने वाली होती है, जहाँ पर रैम सेरा को रोक देती है। और उसके बाद वो लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे लुमा को भी पता चल रहा था यानी डियाब्लो कोई गॉज नहीं है। आखिर में लुमा कहती है मुझे डियाब्लो के साथ यानी गॉड के साथ बातें करना होगा, जहाँ पर इसी बात को सुनकर रैम और सेरा एक साथ ही कहता है क्यों तुम्हें उसके साथ इतना जल्दी बातें करना है। जहाँ पर लुमा कहती है क्योंकि डियाब्लो ने मुझे नंगी बॉडी में देख लिया था और मेरा एक रोल है जो भी बंदा यानी जो भी मुझे अपने नंगी बॉडी में देख लेगा वो मेरा हस्बैंड होने वाला है, तो इसलिए अगर डियाब्लो गॉड नहीं है तो वो मेरे साथ शादी करने वाला है यानी मैं उसको अपने पति मानती हूँ। इन आता है डियाब्लो के ऊपर, वो क्लैम के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर वो क्लैम को कह देता है क्लैम तुम इधर से बाहर नहीं जाने वाली, यानी बाहर एक गेस्ट है और मैं चाहता हूँ तुम इधर ही रहो जब तक वो ना जाए। कहती है जब तक मुझे बिस्किट मिलने वाला है तब तक मैं बाहर नहीं जाने वाली। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडलगार्ड को भी, जो कि क्लैम के साथ ही होती है। इसी बीच डियाब्लो एक साउंड को सुन लेता है और उसके बाद वो आ चुका था लुमा के पास और उसके बाद वो लोग एक साथ बात करते हैं। लुमा अपना बात बता देती है यानी वो डियाब्लो के साथ शादी करना चाहती है, जैसा कि डियाब्लो एक गॉड नहीं है तो उसके कारण ये हो जाएगा। डियाब्लो बात को सुनकर शर्मा जाता है, साथ ही वो शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर डियाब्लो कहता है लेकिन ऐसा क्यों, वो पलादिन तुम्हारे पीछे क्यों था और इसके बाद तुम क्या करने वाली हो। जहाँ पर लुमा कहती है मैं एक प्रेस्ट हूँ, यानी तुम देख सकते हो मैंने गॉड को प्रे किया था और इसके बाद तुम आ गई। डियाब्लो कहता है लेकिन कैसे, और इसके बाद लुमा फिर से प्रे करने लग जाती है, जहाँ पर उसके बॉडी से बहुत सारा लाइट बाहर आ जाता है और इससे ये प्रूव हो जाता है लुमा एक प्रेस्ट है, वो एक बहुत हायर लेवल वाला था। खैर इसके बाद लुमा कह रही होती है क्योंकि मैं एक अच्छी प्रेस्ट हूँ और साथ ही जो पलादिन का गैंग है वो मुझे मारना चाहता है। डियाब्लो कहता है मैं जिसके साथ लड़ा था वो एक हायर लेवल वाला पलादिन था, यानी बात बहुत बड़ी है। और उसके बाद लुमा कहती है हाँ बात तो है, वो बहुत ज्यादा हायर लेवल वाला था और उसके साथ ही जो उसका लीडर है यानी फिशो वो मुझे मारना चाहता है और उसने उन सबको भेजा था और उसके बाद भी मैं सेफ नहीं होने वाली, साथ ही मुझे जाना होगा एक और जगह में, कहा गया था उधर मैं एक बंदे से मिलने वाली हूँ और उसके साथ वो मुझे सेव करेगा, तो इसलिए मेरा मिशन ये है। लेकिन बीच में मेरे साथ अटैक हो चुका और इसके साथ ही मैंने अपने साथी को भी खो दिया। डियाब्लो जान लेता है कंडीशन अलग है और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। जाते जाते लुमा डियाब्लो के साथ शादी करने की बात को कह रही थी। अरे जो भी हो, अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक कर देना, साथ ही मुझे ये बताना क्या डियाब्लो को लुमा के साथ शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि लुमा बहुत ज्यादा हॉट है और अगर उसकी जगह मैं होता तो ऑब्वियसली इधर ही कर देता। बाकी तुम लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।